किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में एंटी राइड फोर्स की ट्रेनिंग का तीसरा रोज डीएसपी राणा असलम समेत दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद मुनीर, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर अदनानुल हक और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर नवीद को पुलिस एहलकारों की तरबियत के लिए मामूर किया गया। रेस्क्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर का कहना था कि फर्स्ट एड बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स मुकम्मल करने के बाद एहलकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमट सकेंगे। तीन दिन का ये बेसिक कोर्स है जिसके अंदर हमने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट या बेसिक लाइफ के जो टेक्निक्स थी उनको रिवाइव करने के वो उनको बताया गया कि जब ये ड्यूटी पे मौजूद होते हैं तो अगर खुदा न खास्ता गैदरिंग में इनके अपने जवानों को या जो पार्टिसिपेंट है जो क्राउड में लोग मौजूद हैं किसी बंदे को कोई इंजरी हो जाती है तो ये रेस्क्यू 1122 के आने से पहले किस तरह उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एएसपी एंटी राइड फोर्स मोहम्मद अरसलान ने ट्रेनिंग की अहमियत पर जोर देते हुए रेस्क्यू 1122 के तावन को सराहा। हमारा विजन इसमें ये था कि हम अपने फोर्स में से कुछ ऐसे बंदे सिलेक्ट करें कि जिनका जो FSC BSc जिन्होंने किया हो बेसिक कोर्स उनका मतलब ऐसा हो कि जो मेडिकल के लिए फ़ायदेमंद हो तो उनको हमने फर्स्ट एड करवाना था कि फर्स्ट एड कोर्स करें। तो रेस्क्यू 1122 से हमने गुजारिश की, इनका बहुत शुक्रिया, ये लोग आए इन्होंने कोर्स करवाया। इस मौके पर अहलकारों ने रेस्क्यू की जानिब से करवाए जाने वाले कोर्सेज को कारामद करार दिया। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़।